गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। टुडे वी हैव अनदर टेस्ट ऑफ क्लोज टेस्ट एंड वी विल सर्टेनली ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट। सो लेट्स सी विच टेस्ट वी हैव टू सॉल्व। ओके, दिस इज द टेस्ट, क्लोज टेस्ट टेस्ट फर्स्ट सीरीज 4। ओके, आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस डे। हमारा जो जीवन है आर बीइंग ट्रांसफॉर्म, वो परिवर्तित हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है बाय दिस डे। वी आर कीनली अवेयर, बहुत अधिक जागरूक होना मीन्स किसी चीज के प्रति सतर्क होना। वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू डैश लाइक स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, यानी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को लेके हम बहुत अधिक सतर्क रहते हैं, बहुत अधिक जागरूक रहते हैं, हमारे मन में बहुत अधिक उत्सुकता होती है। बट लेकिन मच मोर लाइज अंडर द सरफेस, लेकिन इस सतह यानी इस कौतूहल के सतह के नीचे मच मोर लाइज, कई सारी चीजें निहित हैं, बहुत अधिक कुछ निहित है। नॉवेल डिवाइसेस, नॉवेल मीन्स उपन्यास ही नहीं होता है, नॉवेल मीन्स नया होता है। नॉवेल को उपन्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें नई चीजें होती हैं, इसलिए नए टॉपिक पे लिखा जाता है। तो नॉवेल डिवाइसेस मीन्स जो नए यंत्र होते हैं, मेटीरियल्स जो धातुएं होती हैं, एंड टेक्नोलॉजीज और जो तकनीक होती हैव, यानी इन चीजों ने हैव दिस एनॉर्मस बेनिफिट्स टू आवर फिजिकल वेलबींग। इसने हमारी जो रहन सहन है, जो फिजिकल वेलबींग है, शारीरिक जो हमारा कल्याण है, इसके प्रति इसने बहुत सारे हमें लाभ प्रदान किए, भलाई का कार्य किया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, जहां तक दवाओं का संबंध है, हाउसिंग मीन्स रहन सहन मीन्स हमारे घरों वगैरह संबंधित चीजें हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित चीजें हैं, सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा संबंधित चीजें हैं, एंड सैनिटेशन और हमारे स्वच्छता से संबंधित चीजें, एंड टू आवर मेंटल वेलबींग, और जो हमारा मानसिक हमारी जो अच्छी चीजें होती हैं, दैट्स ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन, उसको इसने कैसे बेहतर किया, ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन हमारी बातचीत की शैली, हमारी कम्युनिकेशन की शैली को, एंड सोशलाइजेशन और हमारी सामाजिकता को ट्रांसफॉर्म करके हमारे मेंटल वेलबींग को भी कुछ बेहतर किया है। दो, यद्यपि वी आर हैप्पी टू परचेज स्मार्ट डिवाइसेस, यद्यपि हम स्मार्ट डिवाइसेस को खरीद करके प्रसन्न हैं, एंड यूज मेडिकल इक्विपमेंट और जो हमारी चिकित्सकीय इक्विपमेंट होते हैं उन्हें खरीद करके हम खुश रहते हैं, लेकिन वी आर लेस डैश अबाउट हाउ दोज टेक्नोलॉजीज केम इनटू एक्जिस्टेंस। ये हमारे मन में इन चीजों को लेकर के बहुत कम जिज्ञासा, बहुत कम कौतूहल होता है कि ये चीजें किस तरीके से अस्तित्व में आई है, इस चीज को लेकर हमारे मन में बहुत कम जिज्ञासा होती है। ये हमारे सामने पैसेस है, नाउ वी कैन ट्राई हियर। आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म, हमारे जो जीवन है आर बीइंग ट्रांसफॉर्म, वो परिवर्तित हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं बाय दिस डे। हमारे जो जीवन है वो डेवलपमेंट्स के द्वारा रूपांतरित हो रहे हैं प्रतिदिन, या चेंजेस के द्वारा रूपांतरित हो रहे हैं, या प्रोग्रेसिंग के द्वारा रूपांतरित हो रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के द्वारा रूपांतरित हो रहे हैं। सोचिए इस पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप समझेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट्स बेहतर यहाँ पे हैं, चेंजेस बेहतर हैं, प्रोग्रेशन या प्रोग्रेसिस बेहतर है, या फिर टेक्नोलॉजी बेहतर है, कौन सा इसमें बेस्ट है। आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय डेवलपमेंट्स डेली, बाय चेंजेस डेली, बाय प्रोग्रेशन डेली, बाय टेक्नोलॉजी डेली। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाय प्रोग्रेसिंग यहां पर नहीं, आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय प्रोग्रेसिंग डेली शायद और है थोड़ा सा। नाउन हमको चाहिए बाय डेवलपमेंट्स, यानी हम डेवलपमेंट्स के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बाय चेंजेस
परिवर्तनों के द्वारा परिवर्तन आ रहा है, प्रोग्रेसिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, टेक्नोलॉजी के द्वारा परिवर्तन आ रहा है बहुत इजी, सोचे ना, वो भी आप मॉडर्न एज में हैं, इफ यू बिलोंग टू मॉडर्न एज यू कैन सडनली डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू यूज डेवलपमेंट्स चेंजेस प्रोग्रेसिंग और टेक्नोलॉजी। ऑड वर्ड छांटना सीखे ऑड, क्योंकि डेवलपमेंट्स चेंजेस जो प्रोग्रेसिंग करीब करीब समान है, इनमें से यहां पे कोई फिट नहीं होता है, यहाँ पे क्या फिट होता है टेक्नोलॉजी। और अगर आपने पूरा पढ़ा तो आप याद होगा हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, ये चीज भी हमको इंडिकेट कर रही है कि हमें क्या यूज करना होगा टेक्नोलॉजी। ओके, तो आवर लाइफ्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय टेक्नोलॉजी डेली, वी आर कीनली अवेयर, हम बहुत अधिक उत्सुक हैं ऑफ न्यू डैश लाइक स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, यानी हम स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को लेकर के बहुत अधिक उत्सुक हैं। तो ये न्यू क्या है, न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू टूल्स यहां शिफ्ट होगा या न्यू थिंग्स होंगे। वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू टेक्निक्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, टेक्निक्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट टेक्निक कब से होने लगे। We are keenly aware of new trends like smartphones and the internet. ये smartphones और trends, smartphones और internet trends कब से होने लगे। We are keenly aware of new tools like smartphones and the internet. या we are keenly aware of new things like smartphones and the internet. क्या best है, मुझे लगता है टेक्निक्स और ट्रेंड को तो हम लीव आउट करते हैं, हटा दें, क्योंकि यहां पे ये स्मार्टफोन्स और इंटरनेट जो है वो न तो टेक्निक्स हैं और न ही ट्रेंड्स हैं। ये क्या है, टूल्स हैं या थिंग्स हैं, क्या है बेस्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट टूल्स इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। तो वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू टूल्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, बट मच मोर लाइज अंडर द सरफेस। ओके, बहुत कुछ अभी इस सतह के नीचे है, इन चीजों के नीचे है। नॉवेल डिवाइसेस, नए नए यंत्र, मेटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज है बता रहा है कि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नॉवेल डिवाइसेस, मेटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव बीन enormous benefits to our physical well-being, या have mattered to enormous benefits to our physical well-being, या brought enormous benefits to our physical well-being, या changed enormous benefits to our, changed तो कतई नहीं होगा, benefits से change का कोई relation नहीं साबित हो रहा है, तो change हटा देते हैं। हमें been use करना है तो novel devices, materials and technologies have been enormous benefits to our physical well-being, या have mattered, mattered क्या मतलब, यहाँ पे कुछ set हो रहा है, have mattered enormous benefits to our physical well-being, just leave it out, okay? Now we have two words, changed and brought, sorry, हाँ, brought and been, best कौन सा है, आपके physical well-being के लिए benefits लेकर आए हैं या रहे हैं पहले से, वो बेस्ट ऑप्शन चूज करें आप, क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो नॉवेल डिवाइसेस, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव ब्रॉड एनॉर्मस बेनिफिट्स, इन्होंने हमें बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है, बहुत अधिक लाभ दिया है टू आवर फिजिकल वेलबींग, हमारे शारीरिक कल्याण के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, जहां तक मेडिसिन का संबंध है, हाउसिंग का संबंध है, न्यूट्रिशन का संबंध है, सिक्योरिटी का संबंध है एंड सैनिटेशन। ओके, एंड और टू आवर मेंटल वेलबींग, और हमारे मेंटल वेलबींग के लिए डैश ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, और हमारा मेंटल वेलबींग वो लेकर आए हैं कैसे, डैश ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। तो एंड टू आवर मेंटल वेलबींग इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन, या बाई ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन,
या फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन या टू ट्रांसफॉर्मिंग, टू ट्रांसफॉर्मिंग तो नहीं होना है, इन्हीं तीन में से इन बाय फ्रॉम। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन हिंदी यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ड हियर, करेक्ट वर्ड हियर, विच इज द बेस्ट इन बाय और फ्रॉम। फिर से एंड टू आवर मेंटल वेलबींग और हमारी जो हमारा मानसिक विकास है, मानसिक जो कल्याण हमारा है उसे कैसे लेकर आए हैं, क्या सेट होगा, कैसे लेकर आए हैं वो, कैसे वो उन्होंने हमें लाभ पहुंचाया है, बाय रहेगा बाय ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। दो, यद्यपि वी आर हैप्पी टू परचेज स्मार्ट डिवाइसेस एंड यूज मेडिकल इक्विपमेंट, यद्यपि हम खुश रह लेते हैं कैसे स्मार्ट डिवाइसेस को खरीद करके एंड यूज मेडिकल इक्विपमेंट और जो चिकित्सकीय सामान वगैरह जो सुविधा होती है उसको यूज करके हम खुश रह लेते हैं, लेकिन यहां चूंकि दो है यहां कॉमा लेकिन का काम करेगा, फिर भी का काम करेगा, फिर भी वी आर लेस क्यूरियस अबाउट या वी आर लेस नोन अबाउट, नोन तो कहते नहीं यहां कहीं से बिलोंग नहीं करेगा, वी आर लेस नोन हमें कम जाना जाता है, बट इट्स द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्ड, तो नोन हटा देते हैं, तो वी आर लेस वरीड टेक्नोलॉजीज एग्जिस्टेंस में आई, इनको लेकर हम वरीड कैसे हो सकते हैं, तो इसे भी हटा देते हैं, नोन और वरीड को लीव आउट किया, हमारे पास है अवेयर और क्यूरियस, कॉमन सेंस लगाइए, क्या हम इन चीजों को लेकर के कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या इन चीजों को लेकर हम अवेयर हैं, लेस अवेयर हैं, नो स्पष्ट है कि वी आर लेस क्यूरियस, हमारे मन में इतनी जिज्ञासा नहीं, हमारे मन में इतनी उत्कंठा नहीं, हमारे मन में इतनी कीननेस नहीं, मीन्स जिज्ञासा नहीं है, क्या अबाउट इस बारे में हाउ दोस टेक्नोलॉजीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि ये टेक्नोलॉजी जो है तकनीकियां हैं ये हमारे अस्तित्व में किस तरीके से आई, इस चीज को वी आर लेस क्यूरियस, हम बहुत कम उत्सुक रहते हैं, हमें जानने की इच्छा नहीं होती। देख लें एक साथ, आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय टेक्नोलॉजी डे, यानी हमारा जो जीवन है वो तकनीक के द्वारा निरंतर रोज क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसमें बदलाव आता रहता है, वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू टूल्स लाइक स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, हम स्मार्टफोन्स और इंटरनेट को लेकर के हमेशा बहुत अधिक सतर्क रहते हैं, मीन्स कहीं कहीं उसके पे जागरूक रहते हैं, बट लेकिन मच मोर लाइज अंडर द सरफेस, लेकिन इसके नीचे इस सतह से नीचे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है, नॉवेल डिवाइसेस मीन्स नए नए जो यंत्र होते हैं, मेटीरियल जो चीजें होती हैं धातुएं होती हैं, एंड टेक्नोलॉजीज और नई नई जो तकनीकियां होती हैं, हैव ब्रॉट एनॉर्मस बेनिफिट्स, इन्होंने बहुत लाभ पहुंचाया है, बहुत लाभ प्रदान किया है टू आवर फिजिकल वेलबींग, हमारे शारीरिक कल्याण के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, दवाओं को लेकर के, हाउसिंग को लेकर के, पोषण न्यूट्रिशन को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के एंड सैनिटेशन स्वच्छता को लेकर के, एंड टू आवर मेंटल वेलबींग बाय ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन, यानी कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करके इन्होंने हमारे मेंटल वेलबींग का कार्य किया है। दो, वी आर हैप्पी टू परचेज ए स्मार्ट डिवाइस, जब कि हम स्मार्ट डिवाइसेस को परचेज करके खुश हो लेते हैं, एंड यूज मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट का प्रयोग करके, उपयोग करके खुश हो लेते हैं, लेकिन वी आर लेस क्यूरियस, हमारे मन में बहुत कम जिज्ञासा होती है अबाउट हाउ दोज टेक्नोलॉजीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि किस तरीके से ये तकनीक हमारी अस्तित्व में, मतलब किस तरीके से अस्तित्व में ये आए। ओके, दिस इज द फर्स्ट पैसेज एंड आई होप यू हैव सर्टेनली डन योर बेस्ट, योर लेवल बेस्ट, नाउ सी, लेट्स सी नेक्स्ट पैसेज। ओके, क्लोज दिस पैसेज टू एंड दिस इज यू नो सीरीज फोर, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यू नो इसरो, इसरो याद है ना, तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन, इसने अपने रेप्यूटेशन को बढ़ा लिया। डैश व्हेन, जब इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स इन वन मिशन, जब इसने एक मिशन में 104 सैटेलाइट्स को क्या किया, लॉन्च किया, रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन वेंसडे, जब वेंसडे को हरिकोटा से इन्होंने ऐसा किया, बाय डैश ऑन इट्स वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, यानी अपने जो व्हीकल रॉकेट उनका था पोलर सैटेलाइट लॉन्च, उसी से जब इन्होंने 104 सैटेलाइट्स एक मिशन में श्री हरिकोटा से वेंसडे को लॉन्च किया, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड था कि 104 सैटेलाइट्स को एक मिशन में इन्होंने लॉन्च किया था। एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसैट टू, समझते हैं नाम ही, कार्टोसैट टू सीरीज सैटेलाइट एंड टू डैश नैनो सैटेलाइट्स, नैनो यू नो नैनो सैटेलाइट्स वर द वनली इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च। एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसैट टू सीरीज सैटेलाइट एंड टू डैश नैनो सैटेलाइट्स वर द वनली इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च। द डैश वर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, द UAE, द नीदरलैंड्स, द कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। डैश द 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च, 96 वर फ्रॉम द US एंड वन ईच फ्रॉम द अदर फाइव कंट्रीज। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स। ओके, लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन, इसने अपनी रेप्यूटेशन को बूस्ट कर लिया फर्दर, और अधिक और आगे बढ़ा लिया। फार्दर, फार्दर कैन सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज यूज्ड व्हेन वी व्हाट वांट टू यूज डिस्टेंस। एहेड, जब आप किसी चीज से आगे होते हैं वो एहेड है, जैसे आई एम स्टैंडिंग एहेड ऑफ यू, यानी मैं आपकी बिल्कुल आगे आपके सामने खड़ा हूं। मोर मीन्स और अधिक और ज्यादा, लेकिन ध्यान रखिएगा मोर का वहीं पर प्रयोग करते हैं जहां पर नॉर्मली आपने पहले कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव सेंस में यूज किया है। ओके, लेट्स सी, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन डैश, क्या हुआ, बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन फर्दर, बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन फार्दर, नो वे यू कैन नॉट यूज, बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन एहेड, नो वे, बूस्टेड इट्स रेप्यूटेशन मोर, is there any comparison? No. So, the answer is clear, further. So, the Indian Space Research Organization boosted its reputation further. And it's like, aur adhik apni reputation ko boost kar liya, badha liya. When, jab, it successfully launched a record 104 satellites in one mission. Jab isne ek mission mein 104 satellites ko launch kiya, from Sriharikota on Wednesday, by कैसे लॉन्च किया, by relying on its workhorse, by relying on its workhorse, by depended on its workhorse, by staying on its workhorse। कुछ चीजें क्लियर है, यू कैन नेवर यूज depended on, depend on होता है depended on नहीं, और यहां by है, preposition है, you understand? So if you are using preposition just after a preposition, how can you use dependent? So just leave it out. Relaying, relying, stay, तीन में से एक होगा। तो क्या उसने हरिकोटा से वेंसडे को staying, by staying on its workhorse, उस घोड़ा गाड़ी पर या workhorse पे staying करके, stay करके किया? नहीं, क्या करके किया होगा? Rely, ये on चीख चीख के कह रहा है, you know, rely on, based on, count on, bank on, depend on, but depend on, not dependent on. So, when it successfully launched a record 104 satellites in one mission from Sriharikota on Wednesday by relying, this is relying, by relying on its workhorse polar satellite launch vehicle rocket.
An Earth observation, Carter said, two Ceres satellite and two days. Two days. यानी ये हमने बता दिया. Carter said to Ceres satellite and two. Two के बाद क्या है? Two others nano satellites. There is no way you can use two others nano satellites. Nano satellites यहाँ पे noun है. अगर noun है तो others कैसे आएगा? You can never write two others buoys. Okay, you can understand. तो क्या होगा? Two other nano satellites, two more satellites या two another satellites. Two another भी नहीं हो सकता है. Two others नहीं हो सकता है, two another नहीं हो सकता है. या तो two other nano satellites होगा या two more nano satellites होगा. क्या होगा यहाँ? फिर देखें. An Earth observation, Carter said to Ceres satellite and two. क्या होगा? ये एन बता रहा है क्या होगा. जब आप एक तरफ ले रहे हैं एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टो सेट टू से सैटेलाइट, तो एन टू के बाद क्या होगा? अदर नैनो सैटेलाइट्स. एन टू अदर नैनो सैटेलाइट्स वर द वनली इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च, यानी यही केवल भारतीय इंडियन सैटेलाइट्स थी जो लॉन्च की गई. द डैश वर, द बैक वर कभी नहीं होगा. द लास्ट वर हो सकता है क्या? द लास्ट वर, द रिमेन वर, रिमेन तो हो ही नहीं सकता यार. और अगर आप थोड़ा सा ग्रामर समझते हो, थोड़ा सा आप अपनी कॉमन सेंस को उसमें जोड़ दें, ग्रामर प्लस कॉमन सेंस, यू कैन अंडरस्टैंड कि द बैक वर होगा, द लास्ट वर होगा, द रिमेन वर होगा या द रिमेनिंग वर होगा. क्या होगा? बहुत आसान है, सोचेगा. और इसके लिए करें क्या, आप एडिटोरियल्स वगैरह ज्यादा पढ़ें, जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उनको समझने की कोशिश करें. धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी. एज सून एज यू बिगिन रीडिंग एडिटोरियल्स, जैसे आप एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल सडनली टेक और गेन एडवांटेज फ्रॉम देम. आप उनसे निश्चित ही लाभ आप प्राप्त करेंगे. जैसे आदत डाले आप समझ जाएंगे, यहाँ पे द रिमेनिंग हो जाएगा, यानी जो बचे हुए थे. तो द रिमेनिंग वर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो बचे हुए थे वो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. अगर आपके मन में आए सर बैक क्यों नहीं, तो द बैक वर कभी होगा कोई मतलब नहीं. द लास्ट वर क्या होगा? द लास्ट वर कोई नाउन चाहिए आपको ना? कोई नाउन नहीं. द रिमेन वर, रिमेन नाउन हो ही नहीं सकता है, जबकि नाउन है द रिमेनिंग, यानी बचे हुए जीर्ण के रूप में. तो द रिमेनिंग वर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, द यूएई, द नीदरलैंड्स, कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड, या बाकी जो थे इन देशों से थे, इन स्थानों से थे. डैश, यहां रियल ग्रामर का टेस्ट है आपका. डैश यानी यहीं से आपका सेंटेंस शुरू है. डैश द 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड, यानी जो बाकी 108 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड हुए, उनमें से 96 वर फ्रॉम द यूएस, उनमें से 96 यूएस से थे, एंड 1 ईच फ्रॉम द अदर 5 कंट्रीज. और एक एक जो आपने ऊपर नाम पढ़े, उनमें से एक एक देश के पास एक एक वो थे सैटेलाइट लॉन्च किए गए. तो क्या होगा? फ्रॉम द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च, या टू द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च, या ऑफ द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च, या बाय द 10. बाय तो कभी नहीं होगा, बाय हटा देते हैं. अब हमें जुड़ना है फ्रॉम द 101 फॉरेन सैटेलाइट्स, या टू, टू भी नहीं होगा यहां, सोच के देखें टू कैसे होगा. टू द 101 फॉरेन सैटेलाइट, यानी उन 101 सैटेलाइट्स में से यही आपको लेना है. तो क्या होगा? ऑफ होगा या फ्रॉम होगा? आपका ट्रांसलेशन पोर्शन यहां काम आएगा. अगर आप कहना हो रमेश इन दो बच्चों में बेहतर है, क्या कहेंगे आप? रमेश इन दो बच्चों में से बेहतर है. ट्रांसलेशन याद होगा, रमेश इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज. व्हाट इज रमेश इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज. जो बच्चे न समझ रहे हो सर द बेटर कैसे ले रहे हैं, तो उन्हें याद होगा जब ऑफ द टू का स्ट्रक्चर होता है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं. तो रमेश इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, तो उन दो बच्चों में से. ओके, तो सोचिए डैश द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च,
यानी वो जो 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च हुए उनमें से 96 जो थे, उनमें से जो 96 थे, आंसर है फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ जो ऑफ द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च, यानी यहां ऑफ लगाइए, ऑफ द 101 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च 96 वर फ्रॉम द यूएस, जो 96 थे वो यूएस से थे और जो बाकी एक एक थे वो बाकी बचे हुए एक एक कंट्रीज से। This is only an effort by which I want to help the students who are appearing in their CCL, CHSL and MTS exams. My desire is clear, just to help you succeed. यानी आपकी सफलता में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये passages regular करें, 8 passages मैं आपको दे चुका हूँ। हर एक series में मैंने जानबूझकर 2-2 passages किए। मैं जानता हूँ बच्चे जो हैं वो थोड़े बहुत हो जाते हैं 2-2 पैसेज के लिए, बट द चिल्ड्रन हु आर क्यूरियस, द चिल्ड्रन हु आर एंथुजियास्टिक विल टोटली अंडरस्टैंड दैट दीज आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये निश्चित ही आपके लिए क्या होने जा रहे हैं, लाभदायक होने जा रहे हैं। तो अगर आप इन पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर ध्यान लगा करके, कंसेंट्रेशन दे करके आप इनको समझते हैं, तो निश्चित ये पैसेज आगे आपके काम आएंगे। और विश्वास करें इसलिए नहीं काम आएंगे कि यही आएंगे और आप रट लेंगे, बट इनके थ्रू मैं क्या चाहता हूं कि आप धीरे धीरे एक आइडिया विकसित करें कि किस तरीके से हमें चीजों को छांटना है, कैसे वर्ड्स को एलिमिनेट कर लेना है कि नहीं पहले हम हटा लें ताकि हमारे पास कम शब्द होंगे तो उनमें से उन्हें सेलेक्ट करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा हमारे लिए। इसलिए एलिमिनेट करना सीखें। यहां ये जो वर्ड है ये स्पेसेस से अलग है, इसका कोई मतलब नहीं, ऑड वन है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ऑड वन, तो आप निश्चित ही ये समझ जाएंगे कि बाकी में से छांटना हमारे लिए आसान है। चलिए अलविदा लेते हैं, एंड आई विल सर्टेनली होप, मैं निश्चित ही आशा करूंगा दैट यू विल सपोर्ट मी, कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ये जो आप पढ़ रहे हैं इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर भी करते रहें और कमेंट्स करें। अगर आपकी कोई भी दिक्कतें हैं तो भी आप मेरे पे कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, और अगर आपको लगता नहीं मेरा प्रयास बेहतर है तो निश्चित ही आप सपोर्ट करें, क्योंकि इससे होता क्या है, एक आदमी के अंदर एक एनकरेजमेंट होता है, कहीं कहीं वो बूस्टेड होता है कि हाँ ठीक, वो जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, वो और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिनको भी आप जानते हो कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, उन्हें जरूर बताएं ताकि मैं धीरे धीरे और बेहतर तरीके से आपकी हेल्प करने में कामयाब हो सकूं, जो कि मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।